बंसल न्यूज़ अपने सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज खुरई में मौजूद है। खुरई के विकास पर एक परिसंवाद। हमारे इस कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि माननीय भूपेंद्र सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं। चंद सवाल खुरई विकास और विकास के लिए जो भविष्य में प्लानिंग है उसे लेकर। शरद जी, और काफी समय से हम कोशिश कर रहे थे इस कार्यक्रम के लिए कि खुरई में आकर भूपेंद्र जी बात करें, और आज ये मौका हमें मिला है। भूपेंद्र जी, पहला मेरा जो प्रश्न है कि 2014 पहले का खुरई और आज का खुरई, इसमें बड़ा अंतर है। देखिए शरद जी, सबसे पहले तो मैं आप खुरई में बहुत स्वागत करता हूँ। मैं बंसल न्यूज चैनल का भी बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। 2014 में 13 लास्ट में चुनाव हुआ था, 14 में मैं मंत्री बना, लोगों ने मुझे विधायक चुना, मैं मंत्री बना, और उस समय मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो चुनौती ये थी कि हम इस अन्याय, आतंक और शोषण के वातावरण से खुरई को बाहर निकालें और खुरई में एक स्वस्थ वातावरण बने, आपसी प्रेम भाव हो, सद्भाव हो, सद्भावना हो। और मुझे आज बताते हुए खुशी है कि इस काम में हम सफल हुए। आज खुरई के अंदर जब से लोगों ने मुझे विधायक चुना है, ना अन्याय है, ना शोषण है, ना आतंक है, ना कोई अपराधी है, किसी भी तरह की इस तरह की परिस्थितियां नहीं है, और लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा है, शांति है। दूसरा हमारे सामने चुनौती थी खुरई के विकास की। खुरई के विकास की दृष्टि से जितना हमारा प्राचीन शहर है, 139 साल पुरानी हमारी तहसील है, हमने खुरई के विकास की शुरुआत की। और आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि खुरई के विकास में जो काम इन वर्षों में हुआ है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में खुरई मध्य प्रदेश के जो अच्छे शहर हैं उसमें खुरई की गिनती होगी। सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, यही लोग सुनना चाहते हैं। और किसी भी क्षेत्र का विकास उसकी आर्थिक गतिविधि पर निर्भर करता है। क्या प्लान है आपका, जो आप इतने विश्वास से कह रहे हैं कि 10 से 15 वर्षों में आप खुरई से बेरोजगारी को पूरी तरह से हटा देंगे? देखिए शरद जी, जिस तरह का विश्वास हमारे ऊपर है और जनता ने जो विश्वास हमारे ऊपर किया है, वो विश्वास के आधार पर ही मैं कह सकता हूं कि ये काम हम करेंगे। और जब तक मैं चुनाव लड़ूंगा तब तक जनता मुझे चुनकर भेजेगी, ये भी मुझे विश्वास है। और शायद एक बात को जानकर आपको प्रसन्नता होगी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो गरीब के लिए सबसे वरदान है, और प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे भारत देश में खुरई तीसरे नंबर पे है। भारत देश पिछले 5 वर्षों में हमने
7,500 मकान बनाकर हमने खुरई शहर में जनता को दिए। और जब मैं सहस्त्र के काम में गया तो मैंने एक ही बात की कि अगर व्यक्ति के जीवन में उसका उद्देश्य सही है, किसी भी काम के प्रति अगर आपके उद्देश्य में पवित्रता है तो ईश्वर आपके साथ खड़ा रहता है। और वो मैंने अनुभव किया। जब मैं उज्जैन गया तो अधिकारियों की पहली बैठक मैंने की, मुझे बहुत कम समय मिला था, 3 महीने का समय मिला था सहस्त्र का, 3 महीने बाद सहस्त्र था। तो मैंने अधिकारियों से कहा कि देखो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बहुत हैं, IAS IPS भी बहुत हैं, पर हम सब भाग्यशाली हैं कि महाकाल की सेवा करने का अवसर हम लोगों को मिला है। और हमने कहा कि देखो ये महाकाल का काम है जो सृष्टि जिनसे हम सब चलते हैं, और इसलिए धोखे से भी कोई इसमें जरा भी गड़बड़ मत करना, नहीं तो 3 पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी, एक नहीं 3 पीढ़ियां नष्ट हो। और उसका असर ऐसा हुआ कि सबके मन में एक ही था कि जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल, और सारे लोग रात दिन उस व्यवस्थाओं में लग गए। और देश का सबसे सफलतापूर्वक आयोजन उस समय सहस्त्र का हुआ। दूसरा, मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि अच्छे से अच्छा हो। अगर हमारे कुरई में कोई चीज बने तो वो ऐसी बने कि प्रदेश स्तर की होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए। तो मैं नक्शे खुद बनवाता हूँ, नक्शे देखता हूँ, आर्किटेक्ट से खुद बात करता हूँ, तो परफेक्शन पे मैं बहुत फोकस करता हूँ। और एक बात आपसे विषय से हट के कह रहा हूँ कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में लगभग 35 से 40 वर्ष हो गए, और 35 से 40 वर्ष में कभी ऐसा नहीं हुआ ईश्वर की कृपा से जब मेरे ऊपर कोई ना कोई जिम्मेदारी ना रही हो। पर यह भी ईश्वर की कृपा है, 40 वर्षों में मेरे ऊपर किसी भी तरह का आज तक कोई आरोप नहीं लगा, किसी भी तरह। मैं ये मानता हूं कि सुंदरता कुछ समय के लिए क्षणिक होती है और कुछ समय के लिए ध्यान हमारा जा सकता है, पर चरित्र जो होता है वो दिलों को जीतता है। जब से मैं राजनीति में हूं, जैसा मैंने कहा कि मेरे ऊपर कभी ना आज तक चारित्र्य का आरोप लगा, ना कभी आज तक भ्रष्टाचार का आरोप मेरे ऊपर लगा। प्रमाण के बाकी तो राजनीति में रोड चलते आप कुछ भी कह दो। यहाँ के कांग्रेस के लोग एक बात का प्रचार करते थे चुनाव में कि मंत्री जी की होटल इतनी बड़ी हो गई। अब मेरी जो होटल है वो 25 साल पहले बनी थी, उस समय मैं कुछ भी नहीं था, और वो जो हमारे होटल बनी वो हमारी पैतृक जमीन थी, कोई हमने खरीदी नहीं जमीन। हमारे पूर्वज जो थे उनके पास 5,000 एकड़ जमीन थी, और होटल के लिए हमने बैंक से, यूनियन बैंक और सेंट्रल बैंक से 25 करोड़ रुपए का लोन लिया। अब इसमें मैंने भ्रष्टाचार कहाँ कर दिया? तो एक रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप मेरे ऊपर प्रमाण के साथ आज तक नहीं लगा। लोगों ने बहुत प्रयास किए, जिस दिन से मुझे जनता ने यहाँ पर चुना, मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया, उस दिन से ही मैंने तय कर लिया था कि ये मेरा खुरई है, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ
खुरई के कारण, तो इसलिए मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है। और मैं मानता हूं कि नैतिकता के खिलाफ जो काम करता है उसको जनता का दंड मिले ना मिले, पर ईश्वर का दंड जरूर मिलता है। और यहां पर मैं पिछले समय गृह मंत्री था और गृह मंत्री रहते मैंने कानून व्यवस्था ठीक करने का प्रयास किया, सब कुछ किया, पर बीच में एक सवा साल कांग्रेस का कमलनाथ जी की सरकार आई। वो जो सवा साल था वो मेरे दिमाग में और जो उसमें हुआ वो बहुत ही दुखद था। और जिस बदले की राजनीति से अब मेरे खिलाफ FIR रिपोर्ट की, हालांकि FIR चूंकि छूटी थी तो हुई नहीं, पर एक SC के व्यक्ति से बरोदिया में मेरे खिलाफ थाने में रिपोर्ट करवाई। हमारा भतीजा है उसके खिलाफ खुरई में दो मुकदमे। एक भतीजा जो कभी खुरई आता ही नहीं है, अशोक है, उसके खिलाफ भी यहाँ एट्रोसिटी एक्ट में केस रजिस्टर्ड। तो जिस तरह से बदले की भावना के साथ, जिस तरह से सारी चीजों के साथ राजनीति की गई वो मुझे बहुत कष्टदायक मेरा पीरियड था। तो यहाँ की ये जो राजनीति थी इसको हमने खत्म करने का काम किया है और जितना बचा है वो भी कर देंगे, क्योंकि शांति होगी तभी विकास का लाभ होगा। अगर शांति नहीं होगी तो विकास का फायदा नहीं होगा, ना तो अपराधी चलेंगे, ना जातिवाद चलेगा, ना परिवारवाद चलेगा। ये कोई भी चीजें अब देश की राजनीति में नहीं चलेंगी। मोदी जी ने देश की राजनीति की परिभाषा बदल दी। और आप उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम आप देख लो, अब तो जो देश में विकास करेगा वो ही देश में चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा। और बाकी चीजों से कोई कुछ मतलब निकलता भी नहीं, ये तो सिर्फ चुनावी मुद्दे होते हैं, इससे किसी का भला नहीं होता। अगर किसी का भला होता है तो वो सिर्फ विकास से होता है। अब हम 2023 की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है 2023 के लिए? आपने कुछ मंत्र तो महत्वपूर्ण हमें दे ही दिए कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर करने की जिस तरह से कोशिशें चल रही हैं, मुख्यमंत्री जी की मंशा है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं, ऐसा अभी रायसेन की घटना के बाद भी हमने देखा कि घर तुरंत गिराने की कार्रवाई भी शुरू हुई जो असामाजिक तत्व है। विकास में आगे बढ़ना है, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी मध्य प्रदेश काम कर रहा है, लेकिन 2023 में अगर आप ये दावा करते हैं जो करेंगे ही कि आप फिर बहुत तामझाम बाजे घाजे के साथ फिर लौटेंगे, तो उसका आधार क्या है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न माननीय शरद जी आपने किया है। हम 2023 के चुनाव में जनता के बीच में विकास के आधार पर हम जाएंगे, और जब हम विकास की बात करते हैं तो हमारी सरकार वो सारे निर्णय हम लोग कर रहे हैं जो जन कल्याण के निर्णय हैं, जिससे हमारा गरीब है, नौजवान है, किसान है, इनका सबका जिससे भला होने वाला है। किसानों के लिए हम लोगों ने अनेक काम किए हैं। दूसरा, जो हमारी जनप्रिय योजनाएं हैं जैसे लाडली लक्ष्मी है, अब लाडली लक्ष्मी का हम लोग फेज 2 शुरू कर रहे हैं। लाडली लक्ष्मी का जैसे कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी थी,
अब उस तीर्थ दर्शन योजना को हम फिर से शुरू कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हम लोग इस साल धूमधाम के साथ फिर शुरू करेंगे, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। फिर गरीब के मकान का मामला है, तो हम लोग प्रधानमंत्री आवास, जो आवास प्लस की सूची है 2011 के अनुसार, उसके बाद जो दो आवास प्लस की सूची है वो पूरे आवास हम लोग स्वीकृत कर देंगे, पूरे आवास 23 के पहले हम लोग बना देंगे। फिर हम लोग हर घर को नल के उससे जोड़ रहे हैं, पानी से। हमारा चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर गांव और शहर को हम नल जल योजना से जोड़ रहे हैं। तो ऐसी अनेक योजनाएं हैं, और इसलिए आज सारा गरीब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, चाहे वो SC का हो चाहे ST का हो, वो हम लोगों के साथ खड़ा है। आपने जिस तरह योजनाएं गिनवाई, मुझे ऐसा लगा कि जैसे पूरा बाई हार्ट कंठस्थ करके आप बैठे हैं कि 2023 में कोई बड़ी जिम्मेदारी, कुछ चुनाव समन्वयक, कुछ इस तरह का दायित्व तो भी निभा रहे हैं, प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता, वो तो जिम्मेदारी आप निभाते ही रहे। नहीं देखिए, मैंने इस बार सोचा है शरद जी कि हमारा चुनाव जो है खुरई में, वो खुरई के हमारे कार्यकर्ता और जनता लड़ेगी, और मैं पूरे समय पार्टी के प्रदेश का काम करूंगा। पार्टी जो भी काम देगी, इलेक्शन मैनेजमेंट से लेकर जो भी काम देगी, वो पूरा प्रदेश का काम मैं करूंगा, और चुनाव पार्टी और कार्यकर्ता लड़ेंगे। और दूसरा, जहां तक रहा चुनाव का सवाल, तो जैसी कांग्रेस की स्थिति देश में है, तो चुनाव तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस रहेगी कि नहीं रहेगी अभी इसका ही कोई निश्चित नहीं है। भूपेन जी, आपने जो बात कही, तो मैं ये सोच रहा था कि आप कह रहे हैं कि आप दावा कर रहे हैं कि अपोजिशन नहीं रहेगा, लेकिन लोकतंत्र में अपोजिशन का रहना बहुत जरूरी है। तो अभी जो आपके साथी पहले कांग्रेस में थे, अब BJP में आए हैं, तो क्या पार्ट बी आप करेंगे, BJP का वही अपोजिशन का रोल प्ले करेगा? नहीं देखिए, अब वो BJP में कार्यकर्ता हैं, जनता ने उनको पहले से 10 गुना ज्यादा वोटों से जिताकर भेजा है, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर भेजा है, और अब वो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। अब इस समय हम लोगों के पास, BJP के पास कोई वैकेंसी नहीं है। अभी भी कांग्रेस के कई विधायक अप्रोच कर रहे हैं कि भैया अभी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने कहा कि जब ले रहे थे तब तो आप चूक गए, अब तो कोई गुंजाइश है नहीं, तो अब कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाहता। अनेक विधायक कांग्रेस के हम लोगों के संपर्क में रहते हैं, वो कहते पार्टी में ले लो, क्योंकि उनको पता है कि अब कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है। पर हम लोगों ने अब नो वैकेंसी का बोर्ड लगा दिया, तो अब कोई वैकेंसी नहीं है। BJP की चुनौतियां क्या है सर? पहली तो मैं फिर आपका ध्यान खींचूंगा कि अपोजिशन नहीं है, तो आप ही को अपोजिशन की भूमिका, अगर आप दावा कर रहे हैं कि अपोजिशन नहीं है, और जिसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि सच्चाई नहीं है, हालांकि मध्य प्रदेश में 90 से ज्यादा अपोजिशन के विधायक हैं, लेकिन ये बात कई बार उठती है कि जिस तरह से घेराबंदी सरकार की जानी चाहिए, वो उतनी मजबूत घेराबंदी नहीं दिखती है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो कांग्रेस की स्थिति अब वो नहीं है जो कभी हुआ करती थी। ऐसे में आपको अपने अंदर भी झांकना है, अपनी कमजोरियों को भी समझना है, और ये काम खुद करना बहुत कठिन है। तो आप BJP की चुनौतियां क्या देखते हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें, जिन पर आपकी निगाह भी होनी है, और जो, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कार्यकर्ता अंदर अंदर कहीं पीड़ा से भी भरा है। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, वो संकल्प राष्ट्र के लिए संकल्प है, राष्ट्र के कल्याण के लिए संकल्प, राष्ट्र के भविष्य के लिए संकल्प।
अभी वो जो कश्मीर वाली फिल्म आई क्या, कश्मीर कश्मीर फाइल, अब ये जो है ये भविष्य की चेतावनी है हमारे लिए। फिल्म पीछे की हो सकती है पर आगे आने वाली ये चुनौती हमारे सामने है, आने वाली तस्वीर इसके माध्यम से हमारे सामने है। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य राष्ट्रवाद, ये राष्ट्र रहेगा तो हम सब रहेंगे, और राष्ट्रवाद के साथ राष्ट्र के जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हम कह लें या संस्कृति हम कह लें, उसकी रक्षा करना। हमने हमारी सरकार ने आने के बाद माननीय मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का काम किया और उसका परिणाम ये हुआ कि आज कश्मीर भारत की मुख्य धारा से जुड़ गया और कश्मीर के लोग ये समझने लगे कि हमारा विकास अब देश के साथ चलने में है। तो राष्ट्रवाद वहाँ पर लोगों ने समझा, आज राम मंदिर का काम शुरू हो गया, केदारनाथ में पूरा जीर्णोद्धार हो गया, बनारस की क्या हालत थी वो बनारस हम लोगों ने अब जाकर देखा। तो ये हमारा हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि दूसरे वर्ग या समाज के लोग नहीं रह सकते, हिंदू तो सबको लेके चलता है, और हिंदू राष्ट्र होने के नाते अगर हिंदुत्व ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो ये देश सुरक्षित नहीं रहेगा, और देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे। और इसलिए आज जो लोग कल तक राष्ट्रवाद की बात नहीं करते थे, वो कई नेता भी अब कहने लगे हैं कि जो राष्ट्रवाद की बात करेगा वो ही आगे बढ़ पाएगा। तो कांग्रेस के लोगों ने भी ये स्वीकार कर लिया है कि हिंदुत्व का विरोध करके हम राजनीति में आगे नहीं जा सकते। आपका व्यक्तित्व तो बहुत गंभीर है जैसा मैंने शुरू में भी कहा, और गंभीर व्यक्तित्व से लोग थोड़ा कई बार चिंतित भी हो जाते हैं, लेकिन हमने सिंहस्थ में जिस भूपेंद्र सिंह जी को देखा है तो वो गंभीर तो हैं लेकिन उनकी गंभीरता शालीनता का भी प्रतिनिधित्व करती है। तो मैं नहीं कहता कि इसको कोई क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, लेकिन कई लोग आपके महकमे की मैं बात कर रहा हूँ, जिस भी महकमे रहे आपके, क्योंकि वो डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि भूपेंद्र जी की इस गंभीरता का मतलब ये तो नहीं कुछ रेड सिग्नल है, कुछ खतरा है, कुछ गंभीर बात है, बोलते कम है, थोड़ा मुस्कुराने में भी समय लेते हैं। जनप्रतिनिधि की बातों में गंभीरता होना चाहिए, जनप्रतिनिधि की बात पर लोगों का विश्वास होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को कभी इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए जो समाज के लिए ठीक ना हो या आगे चल के हमारे लिए भी कष्ट का कारण ना बने। और सारा शब्दों का खेल है, अगर द्रौपदी जो दुर्योधन था उसको ये नहीं कहती कि अंधे के पुत्र अंधे होते हैं तो महाभारत नहीं होता। तो राजनीति में शब्दों की मर्यादा, और जब बोलना होता है तब मैं खूब बोलता हूँ, जहाँ बोलना होता वहाँ बोलता हूँ, पर जब बोलने की आवश्यकता नहीं है तो अनावश्यक जो बड़बोलापन होता है वो नुकसान का कारण बनता है। और इसीलिए विधानसभा में भी मैं जब बोलता हूँ तो कोई लफाजी नहीं करता, तथ्यों और आंकड़ों के साथ बोलता हूँ, प्रामाणिकता के साथ बोलता हूँ। और इसीलिए कोरई क्षेत्र के लोगों को एक खुशखबरी भी है कि जो इस जो उत्कृष्ट मंत्रियों में जिन लोगों का चयन हुआ है उसमें
मुझे भी अवसर मिला है, मुझे भी 10 लोगों की कमेटी ने लंबी रिसर्च के बाद ये तय किया है। तो जो 3 मंत्री उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार के लिए सम्मानित हुए उसमें मेरा भी नाम है, ये खुरई का गौरव है। और उस समय भी जब मुख्यमंत्री जी उद्बोधन कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भूपेन जी बहुत धीर और गंभीर हैं, तो राजनीति में मैं इसको मान के चलता हूँ कि व्यक्ति को धीर और गंभीर होना चाहिए। और कई चीज़ें मैं मोदी जी को देख के सीखता रहता हूँ। हमने देखा मोदी जी कभी ऐसे बात नहीं करते, जब वो बात करते हैं तो अपने पॉइंटेड बात करते हैं और उसके बाद मुस्कुरा के नमस्कार कर लेते हैं इसके अलावा। और एक चीज़ मैं मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति आपके पास आए, व्यक्ति आपके पास 3 चीज़ों के कारण आता है। या तो भाव के कारण आता है, उसका भाव आपके प्रति, या अभाव के कारण आपके पास आता है कि कोई अभाव है, या प्रभाव के कारण आपके पास आता है। ये 3 चीज़ों के कारण ही व्यक्ति आपके पास आता है, भाव, अभाव, प्रभाव। तो कभी किसी का भाव भी नहीं टूटना चाहिए, जो अभाव है उसमें हमें मदद करना चाहिए, और जो प्रभाव है उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर लोग राजनीति में करते रहें तो मैं समझता हूँ कि भविष्य के लिए अच्छा होता है। बहुत ही अलग तरह का उत्तर मिला। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज जी निश्चित तौर पर एक पॉपुलर लीडर हैं, कोई इनकार नहीं करेगा। अपोजिशन के लोग, आप भी उनके साथ उस क्लब में शामिल हैं जहां लोगों का आपके प्रति ये 3 भाव रहता है जो आपसे मिलने आते हैं। तो आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए, जो यहां उमड़ घुमड़ रहा है वो अगर वाणी से कई बार प्रकट हो जाता है तो आप पकड़े भी जाते हैं और लोग आपके मन की भावना को भी समझ जाते हैं। उसी की तरफ इशारा है। बहुत साहसिक बात कही है इन्होंने कि एक राजनेता को ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए जिनका प्रभाव नकारात्मक पड़े, उसको लेकर भी, उसकी पार्टी को लेकर भी, उसके काम को लेकर। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज की ये बातचीत जो है पूरे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और देश में भी जिन दर्शकों ने देखी होगी, उन्होंने एक धीर गंभीर राजनेता के व्यक्तित्व और उनके तत्व को बहुत गहराई से महसूस किया होगा। धन्यवाद।